और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से निकलकर ही सामने आ रही है, जहां पर सियासी गलियारों को लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में केयर टेकर प्रधानमंत्री की व्यवस्था पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बैठक बुलाई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान के आह्वान पर यह बैठक बुलाई गई है। दोपहर करीब 2:30 बजे ये पूरी बैठक होगी और इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था, जिसके बाद विपक्ष का गुस्सा भी सामने आया था और केयर टेकर प्रधानमंत्री के लिए इमरान खान और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को खत लिखा गया था। तो केयर टेकर पीएम को लेकर आज विपक्ष की एक सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। जानकारी के मुताबिक करीब 2:30 बजे विपक्ष की यह बैठक यहां पर नजर आएगी। केयर टेकर पीएम पर राष्ट्रपति का यह पूरा दावा सामने आ रहा है।